Good morning, children. How are you? I hope you all are fine at your home and you will be safe. Okay? Don't go outside regularly. Use the mask and use hand wash after coming from your outside. बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ आप सब घर में अच्छी हो, पढ़ाई कर रही हो और मम्मी पापा की बात सुन रहे हो. और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मास्क यूज करना और अच्छा से अपने हाथ को हैंड वॉश करना जब आप बाहर से आते हो, घर में खेलने के बाद घर में आते हो. ठीक है बच्चों, मैंने आपका इंग्लिश टीचर हूँ गीतिका मैम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्मॉल लेटर्स E and A, small letters E and A. मैं आपको सिखाऊंगी E. E for egg, E for elephant. E for egg, E for elephant. Very good. And E का sound होता है A. E का sound होता है A. A for egg. हम egg बोलते हैं ना? Egg बोलते हैं? No. हम क्या बोलते हैं? A. So E का sound होता है A. E का sound होता है A. E का sound होता है A. अभी हम कैसे लिखेंगे E का sound? ठीक है? E का sound तो हमने सीख गया. अभी हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, मैंने आपको बोला था we will write the small letter in middle line, है ना? मैंने आपको सिखाया था कि हम हमेशा middle line या second line में हम लिखते हैं. First line में नहीं लिखते, second line का down से हमेशा शुरू करते हैं. जैसे हमने सीखा था C, ऐसे हम उठाएंगे और हम क्या करेंगे, left side में ऐसा गोल करके ऐसा घुमा देंगे. इसको हम बोलेंगे E. क्या बोलेंगे? E. E for egg, E for elephant. Very good. फिर से देखो, first line, second line, second line का middle का नीचे से हम शुरू करेंगे, ऊपर उठाएंगे, ऐसा गोल करेंगे. E. E for elephant. The sound is A. The sound is A. फिर से देखो बच्चों, second line का नीचे से ये dot जोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे, ऐसा गोल करके हम लिखेंगे E. पाई तरफ घुमाएंगे, ठीक है? E. E for elephant. The sound is A. फिर से देखो, first line, second line, second line का नीचे से ऐसा ऊपर उठाएंगे, ये लेफ्ट तरफ घुमाएंगे, बाई तरफ और ऐसा हल्का सा गोल कर देंगे. E. E for elephant. E for A. And the sound is A. आप अपने मम्मी पापा का सहायता से ये डॉट बनाओगे और उसके बाद ऐसा लिखोगे, ठीक है? A, E, the sound is A. E for egg, E for elephant. तो आपने सीख गया ये लिखना. आज हम और एक लेटर सीखेंगे, वो है F. वो है F. F for fish. F for fish. Fish कहाँ रहता है? मछली कहाँ रहता है? बोलो, पानी में. यस, पानी में रहता है. मछली लिव्स इन द वाटर, फिश लिव्स इन द वाटर. ठीक है, मछली जल में रहते हैं क्योंकि वो रानी है ना मछली जल की. और होता है फ्लावर. एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर. हम सब के घर में आजकल लाल, नील, येलो, पीला, सॉरी लाल कलर होता है, रेड कलर, ब्लू कलर भी होता है फ्लावर का, येलो कलर, पीला कलर भी होता है, व्हाइट कलर, सफेद कलर, वायलेट कलर, बैंगनी कलर का भी फ्लावर होता है. और आज हम लोग सारे बच्चों के घर में भी, हमारे घर में भी फ्लावर लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर. तो एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर. और एफ का साउंड क्या होता है आपको मैंने सिखाया था ना क्लास में, बैलून फूकते हैं ना, फॉ. क्या बोलोगे? फॉ. एफ का साउंड फॉ. फॉ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, फॉ फॉर फ्लावर, फॉ. एफ कैसे लिखेंगे देखो. अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन का हम हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे. ठीक है, तो ऊपर से नहीं लिखेंगे, कहां से लिखेंगे? वही सेकेंड लाइन का नीचे से हम शुरू करके ऊपर लाइन उठाएंगे, स्लैंटिंग लाइन करेंगे. फिर जैसे हमको
ई को बाएं तरफ घुमाया, हम फिर से ऊपर जाके ये बाएं तरफ घुमा के सीधा ये थर्ड लाइन में आएंगे, वन टू थ्री थर्ड लाइन में आएंगे। और हम क्या करेंगे, इधर राइट साइड में ऐसा घुमा के इधर जोड़ देंगे, ठीक है। देखो मैंने जोड़ा है, और अंदर से हम ऐसा ओ की तरह, ओ में जैसे हम लोग ऐसा करके ऐसा गोल किया था, तो ई में भी हम लोग ऐसा करके हम गोल कर देंगे। एफ बन गया, क्या बन गया, एट। एफ फॉर फिश, एट फॉर फ्लावर, एंड द साउंड इज फॉर। वेरी गुड। और एक बार देखो बच्चों, सेकेंड लाइन का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन से हम ऊपर उठाएंगे, स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, घुमा के थर्ड लाइन के नीचे आएंगे सीधा, और उसके बाद हल्का सा गोल करके इधर आएंगे, और अंदर से ऐसा गोल करके ऊपर उठाएंगे। एफ फॉर, एफ फॉर। हाथ छोड़ना नहीं है, पेंसिल हाथ को ऐसे ही रखोगे, पेंसिल अच्छे से होल्ड करोगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ऊपर उठाएंगे, बाएं तरफ घुमा के सीधे नीचे नाम आएंगे, हल्का सा गोल करके सेकेंड लाइन का ऊपर से जोड़ेंगे, और अंदर से गोल कर देंगे। एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर, द साउंड इज फॉर। बोल बोल के लिखोगे, से एंड राइट। फिर से देखो बच्चों, ये ऊपर उठाएंगे, सीधे नीचे नाम आके थर्ड लाइन में आएंगे, और ऊपर गोल करके इधर सेकेंड लाइन के ऊपर भी जाएंगे, अंदर ऐसा गोल करेंगे। एफ, एफ फॉर फिश। फिर से देखो बच्चों, सेकेंड लाइन का डाउन से ऊपर उठाया, नीचे नाम आया, सीधा चलाया, ऊपर उठाया, गोल किया, ऐसा बोलो एफ, ठीक है। फिर से ऊपर उठाया, घुमाया, नीचे नमाया, ऊपर उठाया, फिर अंदर से ऐसा गोल करके लिखा हमने एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन विद मी। ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, एंड द साउंड इज ए, साउंड इज ए। वेरी गुड। एफ फॉर फिश, F for flower, and the sound is four. I hope you understand, and you will write the same way when I send you the PDF. Thank you.